नमस्कार, मैं आर्यन कुशवाहा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बेहतरीन अद्भुत रिजल्ट के लिए शूट करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे एक बहुत प्रगतिशील किसान है, उन्होंने प्याज की खेती लगाए रखी है और ये कई सालों से प्याज की खेती कर रहे हैं, लेकिन ये 2-3 सालों से इन्हें प्याज की खेती में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। तो आप चलिए इनसे समझते हैं कि प्याज की खेती में ये इन्हें बदलाव क्या दिखा और क्या क्या इन्हें इसमें नई चीजें समझ में आई। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि इनका परिचय क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं। नमस्कार बाबा जी। नमस्ते, अपना नाम बताइए। मैं ज्ञान प्रकाश सोनकर, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सोनकर है, जिला इलाहाबाद, तहसील बारा, ग्राम सरसेड़ी के रहने वाला हूँ। सरसेड़ी के रहने वाले हैं। तो ये आप जो ये प्याज की जो खेती लगाए हैं, प्याज की खेती में कौन कौन सी दवाओं का आपने इस्तेमाल किया है? मैं प्याज खेती में नाइट्रोकिंग, ग्रोथ, IFC पाउडर, ये तीनों चीज का मिश्रण करके स्प्रे रख दिए है और इससे हम संतुष्ट है कि जो पहले से काफी हमको संतुष्टि मिल रही है। तो ये इसके बोतल मिल जाएगी क्या? जैसे ये आपके पास ये नाइट्रोकिंग है जी, इसका इस्तेमाल किए हैं जी है। तो इसका छिड़काव में इस्तेमाल किए हैं कि जमीन में इस्तेमाल किए? नहीं, छिड़काव में। छिड़काव में। और ग्रोथ का ये दूसरी दवा है, पावर प्लांट ग्रो, और ये पावर प्लांट फंगीसाइड। तो जरा आप किसान भाइयों को बताइए कि कैसे कैसे इन दवाओं को प्याज में आप इस्तेमाल किए? सब ऐसा है कि 40 नहीं 40 ml जो है ग्रोथ, 30 ml नाइट्रोकिंग, और 20 या 30 ml जो है ये पावर प्लांट फंगीसाइड इस्तेमाल किए। तीनों का मिश्रण करके हमने स्प्रे किया 15 लीटर पानी में। तो 15 लीटर पानी में आपने तीनों दवाओं को मिला के इस्तेमाल किया तो आपको इसका रिजल्ट बेहतरीन मिला? हाँ, बेहतरीन मिला। तो ये इन दवाओं को इस्तेमाल आप कितने सालों से करते आ रहे हैं? 2 वर्ष से। इन दवाओं का इस्तेमाल आप सुन रहे होंगे किसान भाई की जुबान से कि 2 सालों से लगातार इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं प्याज की फसल को भी देख लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्याज को निकाल रखा है तो ये देखिए, ये प्याज की फसल है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए इनके इन दवाओं को इस्तेमाल करने से इनको बेनिफिट क्या मिला है। जो इसकी जड़ें हैं, जड़ें देखिए अधिक जमीन के अंदर तक ये गई हुई हैं, और जो ये इसकी शेप है अभी भी, और ये शेप हल्का फुल्का ये इसका शेप बढ़ेगा क्योंकि अभी ये लास्ट पेड़ इसका नहीं आया हुआ है। लास्ट पेड़ आएगा, थोड़ी सी इसका शेप और ये बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं कि कितना ये इसकी साइज है, साइज में बढ़ोतरी हुई है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप इन दवाओं को, ऑर्गेनिक दवाओं को इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करके खुद आप फायदा लीजिए। तो मैं इनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि और लोगों को इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सर यही किसान भाइयों से अपने संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ रासायनिक खाद है जैसे में कि यूरिया, DAP, उसके स्थान पर जो है उसकी मात्रा कम करके, हम नहीं कर रहे हैं कि हाँ उनकी एकदम मात्रा कम कर दे, कम करके इसको जो है जैविक खाद को इस्तेमाल करें। इससे लाभ होगा कि काश्तकारों की फसल के लिए और मनुष्य के जीवन माने स्वास्थ्य के लिए अच्छा फायदेमंद होगी। अब आप सुन सकते हैं कि ऑर्गेनिक खादों को इस्तेमाल करने से, ऑर्गेनिक दवाओं को इस्तेमाल करने से आपकी खेत तो स्वस्थ होगे, मनुष्य भी स्वस्थ होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि आने वाला जो समय है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिले हैं कैसे? जब तक आप ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद समझिए कौन कौन दवाओं को इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करिए। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप इसे हर जगह, हर व्हाट्सएप ग्रुप में इसे आप शेयर करिए ताकि किसी भी किसान के पास ये वीडियो जाए तो उसे इस वीडियो देखने के बाद उसे लाभ मिले। धन्यवाद।